हांसी शहर समस्याओं से त्रस्त है। कहीं सीवरेज जाम है तो कहीं नाले ब्लॉक पड़े हैं। स्थानीय प्रशासन इस कदर असंवेदनशील बना हुआ है कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरते, अधिकारी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आते। ऐतिहासिक इमारत बरसी गेट के पास स्थित सबसे व्यस्त बाजार बरसी गेट इलाके में पिछले दो दिनों से सीवरेज और नाला ब्लॉक था। जनस्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे। सड़कें सीवरेज के पानी से लबालब हो गई और दुकानदार पार्षद के नेतृत्व में सड़कों पर आकर नारेबाजी करने लगे। पार्षद प्रतिनिधि अनिल बंसल ने कहा कि वह कई दिनों से अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। दुकानदारों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षद अनिल बंसल ने मौके से ही एमएलए विनोद भ्याना को फोन कर समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। विधायक के सख्त निर्देशों के बाद आखिर जनस्वास्थ्य के अधिकारियों की नींद खुली और मशीनों को लेकर सीवरेज और नालों को खोलने मौके पर पहुंच गए। पार्षद अनिल बंसल, राजेश बंसल और अमित जैन ने कहा कि यह सड़क सबसे व्यस्तम बाजार है और यहाँ सीवरेज समस्या के चलते कई दिनों से हालत बेहद खराब थे। मार्केट में कचरे के बड़े ढेर जमा हो गए थे। राहगीरों को भी काफी समस्या पेश आ रही थी। आखिर कई घंटे की मशक्कत के बाद जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मार्केट के नाले खोल दिए। ये हमारे ऐतिहासिक बरसी गेट है जो वार्ड नंबर 9 में पड़ता है। यहाँ पे कमेटी का एक नाला है जो 3 दिन से ब्लॉक पड़ा है। सारे बरसी गेट के ऊपर पानी हो गया। दुकानदार नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। दुकानें बंद करने के लिए उतारू हो रहे हैं। पब्लिक, हमने नगर परिषद के अधिकारी सेंट्री साहब को 3-4 बार इस काम से चेताया, लेकिन उनके कानों पर कोई जू नहीं देखती। सिर्फ और सिर्फ अपने पल्ला झाड़ने में लगे हैं। फिर हमने हमारे विधायक को कहा, विधायक ने पब्लिक हेल्थ की गाड़ी भेजी है। इससे पहले मैंने पब्लिक हेल्थ के जई को फ़ोन किया, ठेकेदार को फ़ोन किया, कोई गाड़ी नहीं आई। विधायक ने फ़ोन करके गाड़ी भेजी। हम विधायक का, चेयरमैन साहब का धन्यवाद करते हैं अगर ये खुलता है तो। यहाँ पे बुरा हाल है लोगों को, स्कूल जाने का, बच्चे स्कूल जाते हैं, धर्मशालाएँ हैं, लेकिन प्रशासन के कोई जू नहीं देंगे। मंदिर है, 3 दिन से समस्या हुई है। आप देख सकते हो सारा यहाँ पे कितना डंगा निकला हुआ है, सारे ब्लॉक हुए नाले। 3 दिन से यहाँ नाला रुका हुआ है, लोगों की नाक में दम कर दिया है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को आज इतनी दिक्कत हो रही है। गाय पड़ गई थी, गाय हमने निकाली है। पार्षद जो अनिल बंसल ने जो है अपने स्तर पर खूब प्रयास किया, उसने जो है उसका धन्यवाद जी अनिल का। सीवर का ढक्कन खुले हैं। यहाँ 3 साल पहले भी इंदिरा कॉलोनी में एक बच्चा सीवर के अंदर गिर के मर गया था। अभी भी इस विभाग की नींद नहीं खुली है। ये चाहते हैं कि हर साल इस सीवर के ढक्कनों में उगाड़े जो सीवर है उसमें कोई ना कोई पड़ के चोटग्रस्त हो ही जाए। कई सीवर आज भी शहर में ऐसे हैं जिनके ढक्कन नहीं है। काफ़ी सीवर ऐसे हैं। अगर हम कॉलोनी में रिंग लगाकर क्या ढक्कन नहीं लगा, और ढक्कन भी बहुत कमजोर मटेरियल के बने हुए हैं, जो मतलब थोड़ा सा भी कल चीज ढक्कनों पर चलता है तो वो ढक्कन टूट जाते हैं। और काफी ढक्कन ऐसे हैं जो बिल्कुल उगाड़े हैं। लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं, मगर ये आज जो है ना इतना बुरा हाल कर रखा है 3 दिन से कि ये सारा सफाई का जो है ना काम है। लोग अपने अपने जो है पजामे और अपने अपने जो है ना ऊपर ठाके ने चलने को मजबूर हो रहे हैं। सारे दुकानदार भाई है, ये दुकानें खोलने को मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ का मतलब एमसी बढ़िया है जो कि अनिल बंसल बढ़िया काम करवाता है, मगर जो ऊपर से जो है ना लोग आते हैं वो अपने काम नहीं करते। अब यहाँ पर देखो काफ़ी टाइम से लोग परेशान होने के बाद में अब हैं, और यहाँ पर जो है ना अब ये बस वगैरह भेजी है, यहाँ का कुछ भी काम नहीं हो रहा। बरसी गेट का तो बल्कि इतना साफ सुथरा काम होना चाहिए। पूरा देहात और पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर सारा का सारा शहर जो है ना यहाँ से निकलता है, मगर यहाँ पर जो है ना सफाई का कोई जो है ना काम ढंग से नहीं हो रहा। मगर पार्षद जो है अनिल कुमार है वो बल्कि बेचारा रक्षा ठाके ना, और वो जो है ना कचरा कई दफा हम उठाते हुए ले जाके ने देखा, मगर यहाँ पर जो है ना और जो ऊपर से कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर सफाई वगैरह नहीं करवा रहे ढंग से, और ये देखो नाले का कितना बुरा हाल है। आप इधर देखो, हैं जी, और हैं जी, और अब सारे दुकानदार जो है इकट्ठा हो गए कि मैं धरना प्रदर्शन की बात कही है, तो उसमें जाके अब ये बस आई है कुछ।